दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप फेस कैन वीडियो रिकॉर्ड किए हैं तो उसका जो पीछे वाला बैकग्राउंड है उसे आप रिमूव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। सिंपली मैं आपको एक एक स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ, कहीं भी इसकी मत करिएगा। यदि आप लोग कार्टून वीडियो बना रहे हैं उसका पीछे वाला जो बैकग्राउंड होता है उसे आप चेंज करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाएंगे। यदि आप वीडियो रिकॉर्ड किया है फेस कैन तो उसका जो पीछे वाला बैकग्राउंड है, यदि आपको लगता है कि पीछे वाला बैकग्राउंड सही नहीं है उसको हटा देना चाहिए या दूसरा लगा देना चाहिए। सिंपली दोस्तों मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। दोस्तों आपका एक रुपया भी नहीं लगेगा, आप आसानी से अपने वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। शायद आपको ऐसा वीडियो बहुत कम देखने को मिलता है, तो सिंपली चलते हैं सीधा वीडियो को शुरू करते हैं, दिखाते हैं कैसे वीडियो का बैकग्राउंड आपको रिमूव करना है। तो कहीं भी इसकी मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते सीधा वीडियो को शुरू करते हैं, दिखाते हैं। भाई आपको एक रुपया देने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से जो है अपने वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो सीधा चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं, दिखाते हैं। उसके बाद उसे देखिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ। 9/5/16 पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद उसे देखिए, यदि आपने कोई भी बैकग्राउंड डाउनलोड किया है तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड ले लेना है, जो भी आपका बैकग्राउंड है, जो भी यदि आपके पास नहीं है तो आप जो है डाउनलोड पहले से कर सकते हैं। उसके बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं भी स्किप मत करिएगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद आपको ऐसा वीडियो बहुत कम देखने को मिलेगा। तो फिलहाल दोस्तों देखिए मैंने यहाँ से बैकग्राउंड ले लिया है। हम यहाँ से साइज देखेंगे कि जो हमारा बैकग्राउंड है वो पूरा फुल साइज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। थोड़ा थोड़ा एक कट आ रहा है तो हम इसको डिलीट कर देंगे। यदि आप लोग लॉन्ग वीडियो बनाना चाहेंगे या शॉर्ट वीडियो बनाना चाहेंगे तो उसी तरीके से जो है आपको बैकग्राउंड का जो इमेज है वो डाउनलोड करना है आपको। उसके बाद देखिए ये भी हमको डिलीट करना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों दो ही बैकग्राउंड इसमें अच्छा है, तो हम यहाँ से साइज ले लेते हैं, जो भी आप जिस भी साइज में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना साइज ले लेंगे। दोस्तों देखिए मैंने यहाँ से साइज जो है चुन लिया है, उसके बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यदि आप कोई भी वीडियो रिकॉर्ड किया है फेस कैन या डाउनलोड किया है उसका बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आप लेयर पे जाना है आपको, उसके बाद मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद ये देखिए यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जहाँ से आप वीडियो कोई भी डाउनलोड किए हैं तो यहाँ से आपको लेना है। तो सिंपली मैं आपको एक वीडियो लेकर के बता रहा हूँ, यदि आपका वीडियो रिकॉर्ड है या डाउनलोड किए हैं तो दोनों का आप लोग कर सकते हैं बैकग्राउंड चेंज। फिलहाल से देखिए मेरा यही वीडियो है, इसी का जो है बैकग्राउंड पीछे वाला हमको हटाना है, तो अभी हटेगा, आप लोग देखिएगा किस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो थोड़ा आपको ध्यान देना है यहाँ। उसके बाद आपको यहाँ जाना है, इसके नीचे आप लोग देख रहे होंगे तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों देखिए एक होता है क्रोमा की, क्रोमा की से जो ग्रीन स्क्रीन का वीडियो होता है वो रिमूव होता है उसका बैकग्राउंड। उसके बाद ही आप वीडियो कहीं क्रिएट किए हैं, कहीं रिकॉर्ड किए हैं, मान लिया जाए आपका वीडियो का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो उसको हटाना रहेगा, तो आप क्रोमा की पे आपको नहीं जाना है। तो ये देखिए मैजिक रिमूवर पे आपको जाना है। तो मैजिक रिमूवर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बेशक काइनमास्टर एप्लीकेशन यूज करते हैं, फिलहाल बहुत कम लोग जानते हैं, तो आप लोग जान लीजिएगा। तो यदि आप कोई भी वीडियो कहीं क्रिएट किए हैं उसका बैकग्राउंड आप हटाना चाहेंगे तो आप मैजिक रिमूवर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यदि आपका वीडियो 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट है तो उसमें समय लगता है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो में बता रहा हूँ ताकि समय बहुत कम लगे। तो आपका समय लगेगा, मान के चलिए आधे घंटा 1 घंटा लग सकता है वीडियो का बैकग्राउंड चेंज होने में। फिलहाल आप लोग को परेशान नहीं होना है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए मैजिक रिमूवर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों देखिए ये पूरे पट्टी में जाएगा, यानी लाल वाली पट्टी पूरा फुल हो जाएगा। दोस्तों देखिए ये लाल वाला जो चल रहा है ये पूरा फुल हो जाएगा। जैसे ही फुल होगा उसके बाद जो है मेरा वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा ये चेंज हो जाए। दोस्तों देखिए मेरा वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ प्ले करके, तो आप लोग देखिएगा। दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छी तो फिलहाल दोस्तों आपको इसी तरह से अपने वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना है, यानी हटाना है, रिमूव करना है, जो भी आप कह सकते हैं। तो सिंपली जो आपने बैकग्राउंड लिया होगा उसी बैकग्राउंड पे आ जाएगा आपका, जितना भी अच्छा बैकग्राउंड रहेगा उतनी ही अच्छा लगेगा। तो फिलहाल आप लोग इसी तरह से जो है अपने वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो सिंपली मैं आपको अभी एक और करके दिखाता हूँ कैसे चेंज करता है। अभी सिंपली मैं आपको एक और वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ, तो आप लोग देखिएगा।
तो ये भी डाउनलोड का है, तो आप लोग इसी तरह से कर लीजिएगा। यदि आपका वीडियो डाउनलोड है तो इसी तरह से होगा। दूसरे देखिए दूसरा वीडियो है, इसका हमको बैकग्राउंड हटाना है, तो सिंपली हम यहाँ जाएंगे मैजिक रिमूवर पे क्लिक करेंगे। अभी ये जो है बैकग्राउंड हट जाएगा। सिंपली दोस्तों देखिए मेरे वीडियो का बैकग्राउंड जो है रिमूव हो चुका है। तो जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं उसी तरह से जो है आपको अपने वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना है। दोस्तों देखिए यदि आप लोग इस पे आईडियो डालना चाहते हैं तो आप लोग कैसे डालेंगे, तो कोई भी आईडियो आप इस पे डाल सकते हैं, म्यूजिक या गाना जो भी आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। फिलहाल आईडियो पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आप जहां से भी आपका डाउनलोड होगा वहां से जो है निकल जाएगा। तो फिलहाल ये देखिए मेरा म्यूजिक है बिल्कुल फ्री है, तो हम यहाँ से जो है अपना म्यूजिक सेलेक्ट करेंगे। जो भी है आप लोग को इसी तरह से करना है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो वीडियो को क्रिएट करने में। वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करने के बाद आप लोग आसानी से जो है कोई भी ऑडियो या म्यूजिक लगा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। तो दोस्तों देखिए प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप लोग देखिएगा। चलो से देखिए इसी तरह से जो है अपने वीडियो का बैकग्राउंड आपको चेंज करना है। वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, जो भी था मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। जय हिंद।